अखाड़ा परिषद कार्यालय परिसर में साधु संतों की उपस्थिति में हुई श्रद्धांजलि सभा में ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी महाराज की स्मृतियों को सभी ने याद किया। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज के निधन होने से बुधवार को नीलगंगा सिंहस्थ पड़ाव स्थल के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कार्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 13 अखाड़ों के साधु संतों की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान सभा के आरंभ में शांति पाठ व मंत्रोच्चारण हुआ व संतों ने सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान अध्यक्ष जी के योगदान एवं कुंभ को सफल बनाने में एवं उनके समर्पण को याद किया और कहा कि शासन प्रशासन से तालमेल बनाकर साधु संतों की समस्याओं के निराकरण की बेजोड़ क्षमता उनमें थी और अपनी बेबाक शैली के कारण ही वे किसी भी समस्या का त्वरित हल करने में भी माहिर थे। उनका यूं चले जाना सनातन संत समाज के साथ साथ पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा एवं स्थानीय अखाड़ा परिषद के संयोजन में नीलगंगा सिंहस्थ पड़ाव स्थल अखाड़ा परिषद कार्यालय पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरिजी महाराज व जूना अखाड़े के महंत रामेश्वर गिरिजी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़े के स्वामी वितरांगानंद जी सरस्वती जी महाराज व निर्वाणी अखाड़े के भगवान दास जी महाराज व खाकी अखाड़ा के महंत रामेश्वर दास जी, बड़ा उदासीन अखाड़ा के मुकामी महंत श्याम दास जी महाराज व महेंद्र विद्या भारती महेंद्र देवगिरी जी व महंत गुप्तगिरी जी, महंत दिग्विजय दास जी और महंत रामदास जी, महंत सुंदर भारती जी और महंत अवधेश पुरी जी व परमहंस जी, महंत शांति गिरी जी महाराज निर्वाणी अखाड़े के शिवनारायण पुरी व राम जानकी मंदिर के श्याम दास जी महाराज, ज्योति गिरी आश्रम के महंत कृष्ण गिरी जी महाराज और सिद्ध आश्रम के स्वामी प्रणाम आनंद जी महाराज सहित सभी 13 सनातनी अखाड़ों के साधु संतों ने 2 मिनट का मौन रखा और पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व विधायक डॉक्टर बटुक शंकर जोशी, पूर्व सभापति नगर निगम सोनू गहलोत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी, कांग्रेस नेता रवि राय, पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा आदि गणमान्य नागरिकों ने ब्रह्मलीन महंत गिरिजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की। आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पंचदशनाम जूना अखाड़ा, हमारे यहाँ के स्थानीय अखाड़ा परिषद सबने मिलकर के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की है हम सब ने और भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान उनको सदगति प्रदान करें, भगवान महाकाल उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। महाराज श्री जी का यहाँ बहुत अधिक लगाव था, बार बार उज्जैन में आना और उज्जैन के 2016 का जो सिंहस्थ था उसमें वह माननीय अध्यक्ष बने थे और उनका जो कार्यकाल था वो बहुत ही आदर्श कार्यकाल था और उनका जो जीवन था वो बहुत सहज था, सरल था, एक सहज व्यक्तित्व के धनी थे। हमें ऐसा लग रहा है कि आज हमारे बीच में से एक सच्चा संत चला गया। दूसरी बात यह है कि उनके साथ जो हुआ है, भगवान वो किसी के साथ न करे, इस घटना ने निश्चित रूप से हम सभी संतों के सामने कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं और सरकारों के सामने भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं कि सरकार अगर संतों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देती, इन ब्लैक मिलरों के लिए अलग से कोई संतों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाती, तो निश्चित रूप से संतों का जो भविष्य है वो खतरे में है। ये हमारी चिंताएँ भी हैं भविष्य को लेकर के और वर्तमान समय में महाराज श्री जी की आत्मा के साथ न्याय हो तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, इसलिए हम सभी संत CBI जांच की मांग करते हैं। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन अभी हालांकि किया है माननीय योगी जी ने, योगी जी पर हमें पूरा भरोसा है तो वो हमको निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे।